सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में अध्ययन किए थे और आज विशेषण के भेद को पढ़ेंगे। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये चार भेद विशेषण के हैं। आए गुणवाचक विशेषण को देखें। नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकृति, दशा और अवस्था की विशेषता प्रकट करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, वह ईमानदार है, रावण दुष्ट था। गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय काली है, वह ईमानदार है, रावण दुष्ट था। रावण की विशेषता बताई जा रही है कि वो दुष्ट था। यदि गुण दोष दोनों आता है। नंबर दो, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, गिनती का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी बोध कराए, ठीक है, जिससे गिनती का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्ग में दो बच्चे हैं, मोहन सोहन से चार गुना बड़ा है। इस दो वाक्य में संख्या का बोध हो रहा है कि वर्ग में दो बच्चे बैठे हैं, बच्चे दो हैं, मोहन सोहन से चार गुना बड़ा है। चार गुना बड़ा, इसकी गिनती की जा सकती है कि वो चार गुना बड़ा है। इस प्रकार ये संख्यावाचक विशेषण है। अब है संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और नंबर ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है निश्चित और अनिश्चित। नंबर क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चलता है वो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, जिससे निश्चित संख्या का पता चले, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैदान में चार लड़के दौड़ रहे हैं, पार्क में दो घोड़े चर रहे हैं। मैदान में चार लड़के हैं, निश्चित है कि लड़के चार हैं। पार्क में दो घोड़े, संख्या निश्चित है कि दो ही घोड़े हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, थोड़े आम खरीद लाओ। यानी कितने बच्चे खेल रहे हैं ये कोई निश्चित नहीं है, कुछ बच्चे हैं, कुछ में दो चार है, दस है, पंद्रह है, ये निश्चित नहीं है। थोड़े आम खरीद लाओ, यानी आम की निश्चित नहीं है कि कितना, कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में थोड़े आम। नंबर तीन, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे नापतोल का बोध हो या मात्रा का बोध हो। जैसे राधा ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, कुछ बादाम दे दो। यानी राधा 10 मीटर कपड़ा खरीदा, कुछ बादाम दे दो, इस प्रकार से मात्रा का बोध हो रहा है, मीटर। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं।
नंबर क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि निश्चित मात्रा निश्चित हो या अनिश्चित। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ, अंबिका ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। मात्रा निश्चित है 5 किलो और यहाँ मीटर कपड़ा 2 मीटर निश्चित है कि 2 मीटर कपड़ा निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का पता चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता हो, अर्थात अनिश्चित मात्रा का पता चलता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी गर्म कर लो, कुछ कपड़े खरीद लो। पानी थोड़ा सा गर्म कर लो, बताया नहीं जा रहा कितना पानी गर्म कर लो, बस थोड़ा सा, मात्रा निश्चित नहीं है। कुछ कपड़े खरीद लो, कितना कपड़े खरीद लें, मीटर कितने मीटर वो कुछ है नहीं, बस कुछ कपड़े खरीद लें। इस प्रकार से ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय काली है, वे ऊंट इधर आ रहे हैं, ऐसी पुस्तक हम भी खरीदेंगे, यह महल किसका था। इन वाक्यों में यह गाय काली है, अगर सिर्फ लिखा जाए गाय काली है तो गाय की विशेषता बताई जाएगी, लेकिन यह गाय काली है, गाय जो है यहाँ संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह सर्वनाम शब्द आया है जो कि गाय की विशेषता बता रही है कि यह गाय काली है। इस प्रकार से यह, वे, ऐसी, वे, ये सब सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।